नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल के घर के सामने नमक मंडी में भीषण आग लग गई। वहीं दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अमेठी में थाना संग्रामपुर क्षेत्र के अमिलाहन मजरे शुक्लपुर में एक घर में आग लग गई। ग्रामीणों ने खुद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। अमेठी के थाना जगदीशपुर क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान के चलते पुलिस ने आरोपी गौस मोहम्मद को गिरफ्तार करके जेल भेजा। बताया जा रहा है कि आरोपी के कब्जे से 16 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। अमेठी के थाना पीपरपुर क्षेत्र में पुलिस ने आरोपी जगन्नाथ उर्फ भोले को भिवाई गेट के पास से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से 1 किलो 100 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। प्रतापगढ़ के थाना कुंडा क्षेत्र में सपा नेता गुलशन पर पड़ोस की रहने वाली एक महिला ने छेड़खानी और लूट का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अयोध्या की थाना कैंट पुलिस ने मिर्जा अली बाजार से 6 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए, 6 फर्जी आधार कार्ड और 6 सिम कार्ड के साथ 7 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। जौनपुर की थाना बक्सा पुलिस ने शंभूगंज बाजार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। जौनपुर जंक्शन पोस्ट प्रभारी अनिल कुमार ने टिकट की दलाली करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करा के जेल भिजवाया। दोनों के पास से रेलवे टिकट बनाने वाली मशीन और 1000 रुपए के टिकट भी बरामद किए गए। गोंडा में थाना कर्नलगंज क्षेत्र के भितिया में नवविवाहिता महिला का शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। गोंडा की कटरा बाजार पुलिस ने सोशल मीडिया पर लाइटर और पिस्टल लहराकर रौब जमाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। एसपी ने सभी उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीतापुर में थाना सिधौली क्षेत्र के सिंहपुर कॉलोनी में एक घर में जबरन धन परिवर्तन कार्यक्रम कराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।